गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे मॉर्निंग हो आप सर? सर। वेरी गुड। अच्छा, लास्ट टाइम वी डिड एटॉमिक नंबर, वैलेंसी। आपको कुछ डाउट्स है मैम, मुझे बता रहे थे, तो आप मुझे पूछ सकते हो। मुझे बताया गया 11th क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम था। सो फर्स्ट असाइनमेंट का 11th क्वेश्चन इज द आयन ऑफ एन एलिमेंट हैज थ्री पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, कि आपके पास जो एलिमेंट है उसके ऊपर कितना चार्ज है? +3। ठीक है, द मास नंबर ऑफ द एटम इज 27 एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 14। मास नंबर इज 27 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 14। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आयन? अभी देखो, अगर कोई एलिमेंट इसके ऊपर +3 चार्ज है, तो वो चार्ज उस पे कैसे आता है? व्हेन इट लूजेस 3 इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको बताया था कि किसी भी एलिमेंट की लास्ट शेल में अगर ये कॉन्फ़िगरेशन है, सो उसकी टेंडेंसी क्या रहती है कि वो अपनी लास्ट शेल को फुल करे। ठीक है, कंप्लीट शेल उसके पास हो, जिसमें फर्स्ट शेल अगर होती है कंप्लीट, तो उसमें आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर सेकंड शेल होती है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम थर्ड शेल की अगर बात करें, तो थर्ड शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये खुद को इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि इनके पास लास्ट शेल कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो ये मेरे पास, मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखी जिसमें ये लास्ट शेल है। लास्ट शेल को बोलते हैं वेलेंस शेल। ठीक है, लास्ट शेल इज कॉल्ड वेलेंस शेल। तो ये वेलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको या तो लूज करके या गेन करके, किसी भी तरीके से, इफ इट इज सेकेंड और थर्ड शेल, उसको 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, जिसके मैंने आपको बताया था कि ये रहता है कॉन्फ़िगरेशन शेल वाइज। ठीक है, 32 32। तो अभी हम इन शेल्स की बात करेंगे। इनमें भी सिर्फ लास्ट शेल जो 2 इलेक्ट्रॉन्स तक, हमें 20 तक एटॉमिक नंबर कवर करना है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास यहाँ तक ही हमारे काम की है। मेरे पास जो अभी एलिमेंट है इस क्वेश्चन में, उसमें बताया गया कि उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए होंगे, तभी उस पे +3 चार्ज आया है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ये जो वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको 8 कंप्लीट करने के लिए, अभी जिसके पास लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके +1 चार्ज एक्वायर करेगा। जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो उसको लूज करके +2 चार्ज एक्वायर करेगा। जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो उसको लूज करके +3 चार्ज एक्वायर करेगा। जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, या तो वो 4 एक्सेप्ट करे या वो 4 लूज करे। तो ना वो 4 एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, ना 4 लूज करने की, क्योंकि इतनी एनर्जी उसके पास नहीं है। हाँ, चार्ज हम दे सकते हैं +4 और -4 अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट टू विच इट इज अटैच्ड। अब ये थोड़ा सा हाई लेवल हो जाएगा कि कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव बताऊंगे, मगर अभी इतना जरूरी नहीं है। आप इन पे फोकस करो कि हाँ ठीक है, इसकी +1 वैलेंसी रहेगी, इसकी +2, इसकी +3, ये चार्ज रहेगा इसके ऊपर। अब 4 वाला हम 4 लिख देते हैं सिर्फ, बिकॉज इट कुड बी +-4। ठीक है, लूज करना या गेन करना, जिसके लिए दोनों ही काम बहुत मतलब एनर्जेटिक, एनर्जी वाले होते हैं, तो इसीलिए वो ना लूज करता है ना गेन करता है। इट शेयर्स 4 इलेक्ट्रॉन। एंड 5 6 7 वाला क्या करेगा? इट इज इजियर टू गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स रादर देन लूजिंग 5 इलेक्ट्रॉन, सो इट गेन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसलिए उस पे आता है -3। गेन करने के बाद वो 8 हो जाएगा। ठीक है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो इस पे आएगा -2, इसको 1 चाहिए तो -1, इसको कुछ नहीं चाहिए। तो ये सब क्यों हुआ कि हर एलिमेंट क्या चाहता है? अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट चाहता है।
ठीक है, मैं फिर से आपको बताती हूँ कोई एग्जाम्पल लेके कि क्यों कोई एलिमेंट लूज करेगा या गेन करेगा और उसके अकॉर्डिंग उस पे क्या चार्ज आएगा। ठीक है, तो हमने पहले बात की कि किसी भी एलिमेंट की लास्ट शेल में अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये इनकी वैलेंसी रहती है, तो अपनी पिछली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के लिए वो लास्ट शेल में या तो इलेक्ट्रॉन वो लास्ट शेल से लूज करेगा या गेन करेगा। अगर उसके पास 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो उसको लूज करना बेटर समझता है और वो +1, +2 या +3 चार्ज एक्वायर करता है। अब मैं रीजन बताती हूँ कि क्यों लूज करने पे पॉजिटिव चार्ज आता है। सपोज मेरे पास सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। ठीक है, एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स व्हिच इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम। मतलब अभी कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। कोई भी एटम न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि उसके पास जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही उसके पास नेगेटिव चार्ज भी होता है। मतलब जितने उसके पास प्रोटॉन है उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। ठीक है, तो मतलब सोडियम के पास इस वक्त 11 प्रोटॉन्स हैं और उसके पास 11 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8, 1। अब ये क्या चाहता है कि ये अपने लास्ट शेल के इस 1 इलेक्ट्रॉन को अगर लूज कर दे, उसे फायदा क्या होगा? इसकी लास्ट शेल में अब 2, 8 ये कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी, लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, लास्ट शेल इसकी फुली फिल्ड हो जाएगी और फुली फिल्ड होने की वजह से वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए वो डिसाइड करता है कि मैं लास्ट शेल का 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता हूँ। लूज किया उसने, अब उसके पास लूज करने के बाद क्या रह गया? 11 प्रोटॉन्स एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि प्रोटॉन्स को लूज नहीं किया जा सकता, जब भी कोई दो चीजें कंबाइन करती हैं जैसे कि NaCl बनता है, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया होगा, तो Na ने लूज किया इलेक्ट्रॉन ताकि उसकी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं और वो स्टेबल हो जाए। लेकिन ऐसा करने पे उसके प्रोटॉन्स का नंबर चेंज नहीं होगा, प्रोटॉन्स तो 11 ही रहेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी जो सबसे लास्ट शेल में होते हैं। क्योंकि लास्ट शेल में इस न्यूक्लियस का जो होल्ड है वो सबसे कम होता है। ये पॉजिटिव चार्ज है ना, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, राइट? सो इसकी सबसे ज्यादा अट्रैक्शन रहती है इन दो इलेक्ट्रॉन्स पे जो इसके सबसे पास हैं। उससे कम अट्रैक्शन है इन 8 इलेक्ट्रॉन्स पे जो कि सेकेंड शेल में है, और सबसे कम अट्रैक्शन होती है लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे, मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन वी कॉल इट। ठीक है, तो इसको निकालना इसके लिए सबसे आसान है, इसीलिए वो ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालेगा, और निकालने के बाद 1 इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से इस पे 10 नेगेटिव एंड 11 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, जिसकी वजह से अब इसका जो सिंबल है हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, Na पे हम 1 पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं टू शो दैट इट हैज लॉस्ट इट्स 1 इलेक्ट्रॉन, वो वेलेंस इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसकी जो वेलेंसी है वो 1 हो गई और इसका जो चार्ज है वो +1, ऑक्सीडेशन स्टेट हम इसको बोलते हैं, या चार्ज बोलते हैं जो एलिमेंट जो है उसको एक्वायर करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स देने या लेने के बाद। ठीक है, यहां तक समझ आया? अब सेम चीज को अगर हम मैग्नीशियम के लिए करें तो मैग्नीशियम में क्या होगा? यहाँ पर उसका सिंबल लिखते हैं Mg, उसका एटॉमिक नंबर कितना है मैग्नीशियम का? 12 12, राइट? सो अगर एटॉमिक नंबर 12 है तो उसके पास कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव चार्ज है? 12 12 पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नेगेटिव, क्योंकि इस वक्त मैग्नीशियम न्यूट्रल एटम है, तो न्यूट्रल एटम पे जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कितने? जितना उसका एटॉमिक नंबर, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट?
तो उसके पास 12 प्रोटॉन एंड 12 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि उसके कॉन्फिगरेशन विच इज, शेल वाइज अगर कॉन्फिगरेशन लिखोगे मैग्नीशियम की, दैट इज 2 8 2, ठीक है, ये उसकी कॉन्फिगरेशन हो गई 2 8 2। अब जिसके पास लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी टेंडेंसी होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके +2 चार्ज एक्वायर करना, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो कि इसकी इस शेल में होंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है। फायदा क्या होगा, इसकी पिछली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे जिससे वो फुली फिल हो जाएगा और जिससे वो स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए मैग्नीशियम प्रेफर्स टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। फाइन, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के बाद उसके पास होंगे 12 प्रोटॉन्स एंड 10 इलेक्ट्रॉन। अब 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 10 प्रोटॉन्स तो न्यूट्रल कर लेंगे एक दूसरे को, 2 प्रोटॉन्स फिर भी रह जाएंगे। प्रोटॉन्स कैरी पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए मैग्नीशियम पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और कितना पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, क्योंकि उसके पास 2 प्रोटॉन्स एक्स्ट्रा हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। समझे, यहां तक पता लगा बेटा? यस ओके, विल टेक नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एल्यूमिनियम, ठीक है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम, 13 13। व्हाट इज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी, ठीक है, 2 8 3 इज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जिसके पास लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी टेंडेंसी क्या होगी, 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की, राइट। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एल्यूमिनियम इज 13 13 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 13। सो आफ्टर लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स टू गेट अ स्टेबल कॉन्फिगरेशन, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन एल्यूमिनियम आफ्टर लूजिंग, ओके, प्रोटॉन्स 13 एंड इलेक्ट्रॉन 10, एंड व्हाट विल बी द चार्ज ऑन एल्यूमिनियम इन दिस केस, +3। ओके, नाउ इसका एटॉमिक नंबर है 13। कैन यू टेल मी द मास नंबर ऑफ एल्यूमिनियम दैट इज टू बी लर्न्ड, नो, 27 होता है एल्यूमिनियम का मास, वो आपको लर्न करना पड़ता है। अदरवाइज एक अप्रोक्सीमेशन होती है कि जितना एटॉमिक नंबर है किसी एलिमेंट का उसका अगर आप डबल कर देते हो, अप्रोक्सीमेटली डबलिंग पे आपको मास नंबर भी मिल जाता है, पर ऑड वाले में यू हैव टू एड वन, ठीक है, वो मैं बताती हूँ थोड़ी देर में जब मास नंबर करेंगे। पर मैं अभी बता रही हूँ आपको कि इसका एटॉमिक नंबर जो है दैट, सॉरी, एटॉमिक मास जो है दैट इज 27। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11। इट सेज द आयन ऑफ एन एलिमेंट हैज 3 पॉजिटिव चार्जेस। आयन ऑफ एन एलिमेंट हैज 3 पॉजिटिव चार्जेस। द मास नंबर ऑफ एटम इज 27 एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, हाउ डू यू फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इफ यू आर गिवन द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर और चार्ज। ओके, मुझे बताएगा, ओके फाइन, ठीक है, आई विल आस्क इंडिविजुअली। हु इज रोशन फ्रॉम 9A? आया बेटा रोशन, रोहन रोहन, ओके फाइन, रोहन होगा, सॉरी रोशन लिखा है यहाँ पे, हाँ जी रोहन, हु इज रोहन, हाँ जी बेटा रोहन, आगे वीडियो पॉज हो गई है, कैन यू हियर मी रोहन? ओके, आप मुझे बता सकते हो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, बताओ एटॉमिक नंबर एल्यूमिनियम का 13, मास नंबर 27। क्या चार्ज आया है एल्यूमिनियम पे, पॉजिटिव पॉजिटिव कितना, 3 3। पॉजिटिव 3 क्यों आया है, पॉजिटिव 1 या पॉजिटिव 2 क्यों नहीं आया है?
बता सकते हो कि एल्यूमिनियम पे पॉजिटिव 3 चार्ज कैसे आया, उसके एटॉमिक नंबर को देख के, या जो मैंने अभी बताया उसमें जो भी जितना आपको समझ आया मुझे बता दो, फिर बाकी मैं हेल्प करूंगी, डोंट वरी। बोलो। क्यों आया +3 चार्ज? किसी एलिमेंट पे +1, +2 या +3 चार्ज कब आता है? बताओ। यहाँ देखो। हाँ जी, उसकी वैलेंसी के लिए वेलेंसी कैसे पता चलती है? वेलेंसी हाँ बोलो, जो भी आपको पता है बोलो, डोंट वरी, मैं यहाँ पर आपको कोई पनिशमेंट देने थोड़े ना आई हूँ, आपको हेल्प करूंगी जहां पर आपको नहीं समझ आएगा। बोलो। हाँ जी, एटॉमिक नंबर याद है आपको एलिमेंट्स के? कहाँ क्लाउडर एनएस तक आते हैं? कहाँ से कहाँ तक आते हैं? बेटा 1, 2, 18। ओके, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 13। थर्टीन और उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? शेल वाइज। फर्स्ट में टू हाँ जी, फर्स्ट में। हाँ फर्स्ट टू जी, सेकंड में और एट थर्ड में। थ्री यस, तो जिस भी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन, आप अगर 1 to 18 आती है, आपने बस ये कॉन्फ़िगरेशन लिख देनी है, और लास्ट शेल में देखना है कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अगर किसी के पास 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो +1, +2 या +3 चार्ज कैरी करता है। तो आपके क्वेश्चन में ये दिया है कि एक एलिमेंट जो +3 चार्ज कैरी कर रहा है, तो मतलब या तो वो क्या हो सकता था, 2, 3 हो सकता था, या वो 2, 8, 3 हो सकता था। ठीक है, लेकिन उसका मास नंबर 27 है। अब मैंने बोला मास नंबर का आइडिया आपको कैसे लगता है कि एटॉमिक नंबर का डबल होना चाहिए, तो अगर वो 2, 3 होता तो 2, 3 means 5, तो ज्यादा से ज्यादा 10 हो जाता उसका एटॉमिक मास, या 11 हो जाता, लेकिन वो नहीं है। ठीक है, तो 27 किसका हो सकता है? अगर किसी का एटॉमिक नंबर 13 है तो 13 into 2 is 26। मैंने कहा कि वो ऑड नंबर में 1 ऐड करना होता है, पर आप अप्रोक्सीमेटली ले सकते हो कि डबल है, तो 13 का डबल 26 हो गया, विच इज अराउंड 27। तो दिस कैन नॉट बी 2, 3, दिस कुड बी 2, 8, 3। तो उसने बोला है कि एक एलिमेंट है जिसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है और उसका मास जो है 27 है, तो 3 पॉजिटिव चार्ज कैरी कर सकता है 2, 8, 3। और अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है तो आपको पता चल जाएगा कि एलिमेंट कौन होगा, एल्यूमिनियम। ठीक है, समझे? अब आपको आता है, जी बस जो थोड़ा सा इलाबोरेट करने की जरूरत है कि हाँ क्या लिखना है। हम जो भी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना बेटा, आप जा सकते हो बेटा, रोहन गो टू योर सीट। जो जब भी हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो जो लास्ट शेल में उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, और वेलेंसी किसको बोलते हैं? उसके कंबाइन करने की कैपेसिटी को, कि उसने कंबाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे हमने 1, 2, 3 की बात कर ली कि इसको 3 इलेक्ट्रॉन तक लूज करने हैं, 4 वाला मैंने आपको बताया कि वो गेन भी कर सकता है, लूज भी कर सकता है, क्योंकि वो सेंटर वाला एलिमेंट है ना। 4 गेन करना इजी है, ना 4 लूज करना इजी है। अगर किसी के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट शेल में, मतलब वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर 5 हैं, तो वो क्या करेगा? उसको लास्ट शेल में 8 कंप्लीट करने के लिए या तो 5 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे या 3 गेन करने पड़ेंगे। सो इट इज इजियर टू गेन 3 रादर देन लूजिंग 5 इलेक्ट्रॉन, सो इट गेन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स। एंड क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन्स वो ऐड कर रहा है, अपने ले रहा है, दे नहीं रहा, तो उसके ऊपर -3 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ करते हैं इसको भी। अगर इसी तरह का क्वेश्चन मैं आपको बोलूं कि एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास है 14,
और उस पे 3 नेगेटिव चार्ज है, तो आप मुझे उसका एटॉमिक नंबर बताओ। ठीक है, मैंने ऐसे क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। अब आप क्या देखोगे कि अगर किसी एलिमेंट का जो मास है वो 14 है, मास क्या होता है, ट्वाइस द एटॉमिक नंबर जनरली, राइट? तो मतलब ये 7 के करीब हो सकता है इसका एटॉमिक नंबर। अब मैं 7 वाले की कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो वो होगी 2 5। ठीक है, जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अगर 7 होगा, जो मैंने हाफ लिया मास नंबर के, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए 2 5। अब मैंने 2 5 वाले के लिए क्या बोला कि उस एलिमेंट पे -3 चार्ज है। ठीक है, -3 चार्ज क्यों होगा, क्योंकि ये चाहेगा अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लूं तो मेरी कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी 2 8। उससे क्या होगा, शेल फुली फिल हो जाएगी, उससे क्या होगा, वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स जिस भी एलिमेंट की लास्ट शेल में होते हैं वो 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है और अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, तो ये एक्सेप्ट करके अपनी लास्ट शेल में कर लेगा 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कौन सा एलिमेंट हुआ, नाइट्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर है 7, मास नंबर है 14, और अगर इसको अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करनी है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो कि 2 5 है, इसको 8 करने के लिए ये 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा। अब ये मैं आपको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में समझा दूं, तो ये बनेगा, इसके पास है 7 प्रोटॉन्स, इस वक्त इसके पास है 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर ये अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स और लेता है तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 10। ठीक है, अब पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज करते हैं, 7 प्रोटॉन के साथ 7 इलेक्ट्रॉन्स तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज है नेगेटिव, तो इसीलिए नाइट्रोजन पे चार्ज आ जाएगा -3। समझ आया? क्योंकि अगला आपने करना है, नहीं समझ आया अभी पूछो, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपने करना है, इसी तरीके से दूंगी, करोगे? Yes. ओके फाइन, चलो लेट्स ट्राई। फाइन, मेरे पास कुछ नेम्स हैं, आई आस्क देम, नहीं समझ आया तो मेरे से फिर भी पूछ लेना बेटा। सो आपका एलिमेंट है कोई भी, एक्स एलिमेंट में ले रही हूं, ठीक है, इसका एटॉमिक मास है 32 और इसका चार्ज है -2। आपको मुझे इसका एटॉमिक नंबर बताना है। ठीक है, व्हाट विल बी योर फर्स्ट स्टेप, मुझे बता सकता है सिमरन फ्रॉम 9B, कैन यू टेल मी बेटा, पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, इसका एटॉमिक नंबर फाइंड करने के लिए? बता सकते हो? मेरे को मास नंबर दिया है, एटॉमिक नंबर बताना है और चार्ज दिया हुआ है, क्या हो सकता है? कैसे कैसे पता चला आपको? डबल हाँ, वो उसका डबल मास नंबर है तो अप्रोक्सीमेटली वो 16 होना चाहिए, पर ऐसा नहीं, काम खत्म, देख लेते होते हैं कि हाँ ये सही हो रहा है या एक आधा का डिफरेंस भी हो सकता है। ठीक है, तो मुझे एटॉमिक नंबर 16, कौन सा है 16th एलिमेंट, सल्फर। ठीक है सिमरन बेटा, आप जाओ, सल्फर, फाइन, सल्फर के बाद अब मुझे नेक्स्ट बताएगा, ये 16 हो गया, ये 32 हो गया, ठीक है, -2 चार्ज होगा, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुए मेरे। हु इज चाहत, 9B से चाहत, ओके बेटा, अब आप मुझे बताओ सल्फर पे -2 चार्ज क्यों आया? उसने गेन करने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, कैसे पता चला आपको गेन करने हैं उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स? उसके उसके लास्ट शेल में
सिक्स इलेक्ट्रॉन्स है, एक्चुअली वेरी गुड, गो एंड सिट। ठीक है, ये है सल्फर 286, इसको अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करनी है, इट नीड्स टू मोर इलेक्ट्रॉन्स, सो इट विल गेन टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सल्फर के पास नॉर्मली 16 प्रोटॉन एंड 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मगर 286 में सल्फर इज नॉट हैप्पी बिकॉज has to complete its octet, it needs two electrons, so it accepts two electrons and number of electrons becomes 18, which is two more than protons, so it carries two negative charge. ठीक है, last है हमारा, एक और example कर लेते हैं। This is, let's say, an element जिसका atomic number है 35. ठीक है, इस पे चार्ज है -1, यू नीड टू टेल मी अटोमिक नंबर। अब मैं किसी का नाम नहीं ले रही, एनी वन ऑफ यू रेज योर हैंड्स जो इसको कर सकता है, अटोमिक नंबर फाइंड कर सकता है, एनी वन ऑफ यू प्लीज रेज योर हैंड जो बताना चाहता है इसका आंसर। यस प्लीज कम देयर, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, सॉरी, ओके साहिल साहिल। बेटा, आप बताएं क्या करना है सबसे पहले। हाँ, मैम इसकी मैम 17 आएगा मैम। देखो मैंने आपको बोला कोई श्योर नहीं होता, क्योंकि आप एक टॉपिक पढ़ोगे आज एवरेज एटॉमिक मास, वो मैं बताऊंगी कि इसका 35 कैसे आया। ठीक है, पर ये एलिमेंट अभी जैसे 35 या तो 36 हो सकता था या 34 हो सकता है, तो आप पहले अगर आप लेते हो कि हाँ 17 ले लेते हैं या फिर 18 ले लेते हैं, तो 17 वाले की कॉन्फ़िगरेशन होती 287 और 18 की होगी 288। ठीक ए है, 288 दिस इज ऑलरेडी फुली फिल्ड, तो ये तो कंबाइन करता ही नहीं, तो इस पे कोई चार्ज आएगा ही नहीं। ठीक है, मगर ये है 287, क्योंकि 7 वाले को ही एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा अपनी शेल को कंप्लीट करने के लिए, इसीलिए उस पे -1 आएगा, एंड दैट एलिमेंट इज, व्हाट इज दिस एलिमेंट, क्लोरीन। फ्लोरी। ठीक है, तो ये है क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर है 17 और इस पे चार्ज आएगा -1। एक्सक्यूज मी हाँ जी, मैम, व्हाट इज द आंसर ऑफ 11th व्हाट इज, आप ये आप बताओगे, किसने पूछा मुझे ये, हम मैंने इतने सारे एग्जांपल बता दिए, अभी आप बताओ। क्वेश्चन? ओके, एक मिनट मुझे देखने दो। हाँ जी, इट इज 10, तो बी ऑप्शन आपका आंसर बनता है। ठीक है, समझ आया लेकिन कैसे हुआ ये? ठीक है, तो ये सारा उसी का कॉन्सेप्ट है कि किसी भी एलिमेंट की लास्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, इट विल लूज दोज इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, एंड दीज आर कॉल्ड केटायन्स, पॉजिटिव चार्ज कैरी करने वाले बनते हैं केटायन, जिसके पास लास्ट शेल में 3 to 1 इलेक्ट्रॉन है, ये बनते हैं एनायन, और जब केटायन और एनायन आपस में कंबाइन करते हैं, इनको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। जैसे आपने बहुत फेमस एक एग्जांपल NaCl का ही किया होता है, आप मैंने बताया था चार्जेस भी क्रॉस करके फॉर्मूलाज भी आप बनाओगे, तो उसमें अगर मेरे पास NaCl है तो हम इसको कैसे बताते हैं कि मेरे पास है सोडियम, सोडियम है 11। हाँ जी बोलो, मैम, जो आपने आंसर की सेंड की थी उसमें 10th क्वेश्चन का आंसर 13 था। ओके बेटा, बाय मिस्टेक हो गया होगा। ठीक है, पर इसका टेन, आल्सो फॉर द 11th क्वेश्चन यू हैव मार्क द आंसर ए। फॉर द 11th क्वेश्चन यू हैव मार्क द आंसर ए। इज इट ए और सी? तो मैम इट इज बी, 10 इलेक्ट्रॉन्स, एल्यूमिनियम, दे हैव आस्क्ड व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आयन, आयन इज Al3+, दिस इज आयन, कैटायन है ना ये, तो ये आयन है, इसका एटॉमिक नंबर 13 है, Z इज 13, व्हेन इट लूजेस 3 इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं उसने, उसने इलेक्ट्रॉन पहले उसके पास 13 थे, लूज करने के बाद इस आयन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 10। ओके, सो 11th का आंसर है B10। ठीक है, 12th का, यस 12th का आंसर, एलिमेंट विद वैलेंसी 1 आर,
दे कैन बी मेटल्स और नॉन मेटल्स, क्योंकि वैलेंसी चार्ज के साथ नहीं आती है। अगर वो बोलता है प्लस वन या माइनस वन, वो चार्ज होता है, पर वैलेंसी आप चार्ज नहीं इंक्लूड करते वैलेंसी में, उसमें सिर्फ आप वन लिखोगे। तो जैसे NaCl मैं आपको बता रही हूँ ये 281 है, तो ये लूज करके प्लस वन जरूर शो करेगा, लेकिन वैलेंसी इसकी वन हुई, चार्ज इस पे प्लस वन हुआ, दैट इज डिफरेंट। वैसे ही आपके पास क्लोरीन है तो इसके पास 287 कॉन्फिग्रेशन होती है, और एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद वो Cl नेगेटिव बनेगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इट कैरीज माइनस वन चार्ज, दिस कैरीज प्लस वन चार्ज। तो चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव में बताए जाते हैं, मगर इन दोनों की जो वैलेंसी है दैट इज वन, और इसमें जो सोडियम है दैट इज अ मेटल, और इसमें जो क्लोरीन है दैट इज अ नॉन मेटल। जितने भी एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करते हैं, जिनकी टेंडेंसी है वन टू या थ्री इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की, दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ठीक है। और जो कि गेन करते हैं माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज करना और गेन करने वाली बात की है, तो वो दोनों कर सकते हैं, वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चार्जेस आर डिफरेंट, मगर वैलेंसी दोनों की सेम है, मेटल की भी और नॉन मेटल की भी। तो 12 का आंसर है सी, ठीक है। उसके बाद आपको प्रॉब्लम है 17th क्वेश्चन में। हाँ जी, इसमें क्या प्रॉब्लम है बेटा? बोलो। डिफरेंस हाँ जी, बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम एंड इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयन। ओके बच्चा देखो, अब हम यहां पर कॉन्फिगरेशन लिखेंगे सोडियम और सोडियम वन पॉजिटिव की, ठीक है। ये आपके सोडियम की है, ये आपके क्लोरीन की है, ये एटम्स हैं। एटम्स पे कोई चार्ज नहीं होता, दे आर न्यूट्रल बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ठीक है। तो ये क्या हो गई दोनों की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एटम्स। आयन ये कब बनती हैं, जब इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करती हैं। तो अगर मुझे Na पॉजिटिव या Cl नेगेटिव की कॉन्फिगरेशन लिखनी हो, जिनका एटॉमिक नंबर सेम ही रहेगा, इसका 11 है, इसका 17, एटॉमिक नंबर दोनों का सेम ही रहता है, क्योंकि प्रोटॉन्स के नंबर में कोई चेंज नहीं आता, चेंज आएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। तो इलेक्ट्रॉन्स का भी हमने बात की कि ये क्या करेगा, सोडियम ने लूज करने हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो एक को लूज कर देगा, और इसने गेन करना है, एक गेन कर देगा। तो लूज या गेन करने के बाद इनकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। तो अब इसकी कॉन्फिगरेशन चेंज होगी दोनों की, सोडियम की भी और क्लोरीन की, कब, जब वो आयन्स बन गए। तो दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ आयन, हाँ राइट। ये जो फर्स्ट है दिस इज कैटायन, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन इज कॉल्ड कैटायन, एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयन इज कॉल्ड एनायन, राइट। एनी अदर प्रॉब्लम फ्रॉम फर्स्ट असाइनमेंट? ओके अच्छा बेटा, आपकी ये मीट मैम आपके लिए मैसेज है, बस 40 मिनट्स के बाद ये मीटिंग एंड हो जाएगी, आपको रीजॉइन करना है, ठीक है। आई थिंक हाँ, 38 तो आईएस हो ही गए मिनट्स, ये जितने भी 4 4 मिनट्स आर लेफ्ट, सो आफ्टर 4 मिनट्स दिस मीटिंग विल एंड, सो यू विल रीजॉइन। ओके, हम तब तक करते हैं, मैं आपको एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट बताती हूँ, जो मैंने क्लोरीन के टाइम पे आपको बोला था, ठीक है। उसके लिए आपको दो टर्म्स, आइसोटोप एंड आइसो बार, ये दो टर्म्स आपको आनी चाहिए, ठीक है। सो आप मुझे बता सकते हो आइसोटोप किसको बोलते हैं?
ओके मुझे समझ आ गया, वैसे ऐसा नहीं है कि नहीं आया जो भी आपने बोला। कोई एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन उसका मास नंबर डिफरेंट होता है। अब आप बता सकते हैं ये जो मैंने लिखा ये कौन सा एलिमेंट है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स हैं जिसमें उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटीरियम और इसको बोलते हैं ट्रीटियम। और ट्रीटियम जो है वो रेडियो एक्टिव भी होता है नेचर में, पता करने की जरूरत नहीं। बस जिस भी एलिमेंट के सबके आइसोटोप नहीं एग्जिस्ट करते हैं, जितने दिए आपने करने हैं, कि आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर इज सेम बट दे हैव डिफरेंट मास नंबर। अच्छा ठीक है, अब आप मुझे ये बता सकते हो ये मास नंबर डिफरेंट होता क्यों है? व्हाट इज द रीजन फॉर इट? मैं हिंट देती हूँ। हाँ कोई बोल रहा है शायद बीच में, प्लीज लाउडर, बी लाउडर। वो सही बोल रहा है जो भी बोल रहा था। एक कोई सब एटॉमिक पार्टिकल का नंबर डिफरेंट होता है, कौन सा है वो सब एटॉमिक पार्टिकल? न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स का नंबर डिफरेंट होने की वजह से जो मास नंबर है वो डिफरेंट होता है। अब आप मुझे बता सकते हो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं यहाँ पे, जल्दी से करेंगे। वन लेस देन 2 मिनट्स आर लेफ्ट फॉर दिस मीटिंग। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन ईच ऑफ देम वन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जीरो। नो, इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है। मास नंबर इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इफ इट हैज वन प्रोटॉन और मास नंबर भी अगर वन है तो न्यूट्रॉन कितना हुआ? जीरो। ठीक है, मास नंबर भी वन है। और नहीं बेटा, टू कैसे? उधर शिफ्ट करोगे, 1 माइनस 1 इज जीरो, राइट? इसमें आपके पास वन प्रोटॉन है और वन ही मास नंबर है, तो ये ए की वैल्यू, मास नंबर की वैल्यू भी वन है और प्रोटॉन भी वन है, तो न्यूट्रॉन कितना बचेगा? जीरो। एन इज इक्वल टू जीरो। 1 माइनस 1, दिस इज जीरो। ठीक है, और सेकेंड केस में कितने हैं न्यूट्रॉन्स? वन और थर्ड केस में? टू ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दीज वन। सब में वन वन वन, क्योंकि न्यूट्रल एटम है। नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो आइसोटोप हम बोलते हैं एक ही एलिमेंट की अलग अलग स्पीशीज होंगी जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होगा। एलिमेंट सबका सेम, सिंबल देखो सबका सेम है। ठीक है, आइसोबार में ऐसा नहीं होता, अलग अलग एलिमेंट होते हैं। एक ही एलिमेंट होगा, उसी के एटॉमिक नंबर उसका ऑब्वियसली सेम, क्योंकि एक एलिमेंट है तो एटॉमिक नंबर उसके लिए वही असाइन होता है। और मास नंबर उसका डिफरेंट होगा।